ただ凄みだ。砂漠のガーラ。Hey guys, welcome back to the channel Unbeast Vlogs. और गाइस आप लोग कैसे हो जरा बताना. तो आज गाइस आज का फुल रूटीन क्या होने वाला आपको मैं पूरा दिखाऊंगा. और आज का स्पेशल वीडियो मतलब मैं आर्म रेसलिंग प्लस बॉडी बिल्डिंग. अभी तो मैं बॉडी बिल्डिंग फिलहाल मतलब अच्छे से प्रेप उतना नहीं कर रहा हूँ, बट बॉडी बिल्डिंग का एक्सरसाइज मतलब बॉडी का जो शेप है सब कुछ पकड़ के रखना, उसके साथ मसल मास भी पुट ऑन करना और आर्म रेसलिंग का कंपटीशन है स्पेशली उसको भी खेलना है मुझे. तो दोनों को मैं एक साथ कैसे मेंटेन कर रहा हूँ ये आज मैं अपने पूरे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना. जो लोग चाहते हैं कि मेरा मसल मास भी गेन हो, बॉडी बिल्डिंग भी करूँ, उसके साथ आर्म रेसलिंग भी करूँ, दोनों को कैसे मेंटेन करता हूँ मैं, मेरा फुल डे रूटीन क्या होने वाला. गाइस 1K सब्सक्राइबर मेरा हो चुका है. आप सबको बहुत 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 थैंक यू कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इस लायक समझा कि मेरे चैनल को अपने आप 1000 लोगों ने ऑलमोस्ट सब्सक्राइब किया, मुझ पर बिलीव किया कि मैं कुछ आपको नॉलेज दे सकता हूँ. तो मैं मेरा बेस्ट दूंगा जितना है मेरे अंदर, जितना मैं रेगुलर ट्रेनिंग करता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से स्टडी करता हूँ, रिसर्च कर करके जो मैं सीखता हूँ मैं सभी आपको शेयर करूंगा गाइज. तो ऐसे आप सपोर्ट बनाते रहिए. नेक्स्ट टारगेट है अभी मेरा 50K एकदम. तो गाइज आप लोगों के विदाउट आप लोगों के हेल्प ये पॉसिबल नहीं होगा. सो गाइज वीडियो में लास्ट तक बन रही है. मैंने जस्ट अपना फर्स्ट मील कम्प्लीट किया जिसमें मैंने ओट्स खाया. मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ ठीक है, उसके बाद थोड़ा कार्डियो वीडियो करता हूँ. आज गया नहीं था, कार्डियो किया मैंने, पुशअप किया. बहुत गर्मी अलग ही लेवल का है, फैन मैंने बंद करके रखा है इसलिए मैं कार्डियो करता हूँ. कार्डियो करने के बाद मैं घर आता हूँ, अपना जो फर्स्ट मील होता है उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ठीक है, उसके साथ आपका 30 ग्राम ओट्स, 1 स्कूप वे प्रोटीन या 5 एग व्हाइट्स ठीक है, ये खाता हूँ. उसके साथ थोड़ा फ्रूट्स, ये हो गया मेरा फर्स्ट मील. इसके बाद मैं अपना वर्कआउट करने जाता हूँ. अभी वर्कआउट में क्या क्या करता हूँ, कौन सा दिन क्या क्या रहता है मैं आपको एक्सरसाइज करते करते और भी बताऊंगा. कि मैं रेगुलर दो बार ट्रेनिंग करता हूँ, सुबह ट्राई करता हूँ आर्म रेसलिंग का ट्रेनिंग और शाम को ट्राई करता हूँ बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनिंग. या कभी उल्टा हो जाता है, मॉर्निंग में आर्म रेसलिंग का ट्रेनिंग, मॉर्निंग में बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनिंग कोई भी एक कर लेता हूँ, हाइपरट्रॉफी टाइप ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. उसके बाद मैं एट इवनिंग और एट नाइट मैं वीडियो शूट कर सकूँ आपको पूरा बताऊंगा. इसमें रेगुलर मेरा वीडियो आता रहेगा. तो बस आपको लाइक चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है. और रात को मैं कभी कभी कर लेता हूं अपना आर्म रेसलिंग का ट्रेनिंग. या ऐसा भी कर सकते हो आप कि आप अपना बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनिंग करो उसके बाद डेली आर्म रेसलिंग का ट्रेनिंग करो वीक में 3 to 4 days. मैं घर पे कभी कभी, अभी तो मेरा नया सेटअप, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा यहां पर लिंक दूंगा मेरा नया सेटअप का, आर्म रेसलिंग में क्या क्या एक्सरसाइज कर रहा हूं मैं घर पे, तो आप वो भी कर सकते हो. तो गाइस जनरली अभी बहुत गर्मी लग रहा है, हालत टाइट है. अभी मैं जस्ट अपना बैग पैकिंग कर रहा हूँ, बैग पैक कर रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब जिम जाऊंगा उसके लिए. तो एक्सरसाइज क्या क्या इंस्ट्रूमेंट भी है मैं आज लेके जाऊंगा और वर्कआउट भी करूंगा इंस्ट्रूमेंट के साथ, आपको दिखाऊंगा कि आप स्पेशली आर्म रेसलिंग के लिए क्या कर सकते हो. और रात को और पूरे दिन का वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसा कैसा रूटीन बना रहा हूं. तो आप पूरा वीडियो देखो और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव, और वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है. सो गाइज अभी मम्मी बाहर गई थी, मम्मी को मैंने पैसे दिए थे और बोला था थोड़ा बाजार लेने के लिए, घर का भी थोड़ा सामान लाना था और मेरा फ्रूट्स वेजिटेबल तो डाइट कर रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा कुछ अलग से लाना था. तो मम्मी को बोला, मम्मी ने लेके आया. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या अभी फ्रूट्स डाइट का सब लाया. डाइट गाइस बहुत बहुत ही खर्चा है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है यार, तभी जाके पैसे आते हैं, तभी उसको हम लोग इन्वेस्ट करते हैं. तो अपना एक पैशन है, सो यही अपना काम है, प्रोफेशन है, यही पैशन है. सो गाइस अभी दिखाता हूँ आपको, देखो मैंने क्या क्या लाया. देखते हो मम्मी ने पपीता लाया है, 2 पपीता ऑलमोस्ट 1.5 किलो होगा. केला, मतलब केले का इतना प्राइस हो चुका है अभी क्या ही बताओ. उसके साथ मम्मी ने लाया ये मौसम्बी, मैंने बोला था मम्मी को कि अगर मिल जाए अच्छा खासा तो लेके आना. और एप्पल देख सकते हो, फोकस में थोड़ा इशू आ रहा है पता नहीं. और यहाँ पर थोड़ा सा भेज फाइबर के लिए चिकन के साथ ये आ गया आपका, देख सकते हो. तो यही था आज का फ्रूट्स. सो गाइस कॉफ़ी खा के एकदम ट्राइपॉड लेके जिम आ चुका हूँ और अभी आज करेंगे आर्म्स का वर्कआउट, मॉर्निंग में आर्म्स का वर्कआउट, उसके साथ आर्म रेसलिंग का ट्रेनिंग. मैं यही करता हूँ रेगुलर, सुबह एक बॉडी पार्ट हिट कर लेता हूँ उसके साथ आर्म रेसलिंग, रात को एक बॉडी पार्ट हिट कर लेता हूँ, कभी रात को आर्म रेसलिंग करता हूँ नहीं तो कभी सुबह करता हूँ. तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो और अपना एक कंसेप्ट बनाते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. और भी रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, आपको सब अपडेट मिलता रहेगा. गाना लगा देता हूँ, वीडियो को एंजॉय करो, वर्कआउट को एंजॉय करो.
ただ仕込みだ砂漠のガーラ चुका हूँ फाइनली। पता है वर्कलोड इतना है, मतलब ट्राइपॉड ले जाना, आना वाना, ये करना, इतना बाहर धूप था, क्या बताओ। और गदर वाला हाथ में भी पेन हो रहा है, पता नहीं लास्ट वाला सेट मारने के बाद इस वाले हाथ में आर्म रेसलिंग का गदर वाला ये बाहर कुछ ज्यादा ही पेन कर रहा है, पता नहीं, थोड़ा आइस वाइस लगाऊंगा। तो वैसे अगर ज्यादा, मैं एक टिप्स बताऊंगा, अगर ज्यादा पेन करता है तो आप 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली 10 मिनट करके 3 बार आइस लगाओ, देखो अगर उससे नहीं कम होता तो फिर आप पेन किलर यूज कर सकते हो और स्लोली उस पर हीट कंप्रेशन लगाओ, कोल्ड कंप्रेशन लगाओ, देखना 1 वीक में 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। जब थोड़ा सा ज्यादा मतलब प्रेशर पड़ता है टेंडन में या मसल पे, तब जाके ये थोड़ा सा पेन, टेंडन का पेन ज्यादा देर तक रहता है। तो अभी गाइस नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ, देख सकते हो अभी नहा लिया मैंने, तो अभी फ्रेश होते बहुत तगड़ा वाला भूख लगा है, ट्राइपॉड भी आगे सेट कर दिया, फिर अभी खाना खाते, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा मील क्या है। सो गाइस दिस इज माय पोस्ट वर्कआउट मील, अभी थोड़ा सा सलाद वेजिटेबल और उसके साथ चिकन, ऑलमोस्ट 180 ग्राम चिकन, थोड़ा थोड़ा करके चिकन खाता हूँ मैं अभी। सो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, लंबा होने वाला, तो छोटा छोटा एक क्लिप दिखाता हूँ, तो इसको खाते ही मिलते। जैसे भी अपना कॉफी कंप्लीट कर लिया प्री वर्कआउट,
तो अभी हम लोग जाने वाले वर्कआउट करने, आज शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। तो ये था ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रूटीन, एक दो मील थोड़ा सा मिस हो चुका, उसी में वही चिकन और सब्जी वेजिटेबल यही दो तीन बार खाता हूँ। आप ऐसे अपना कैलोरी वैलरी सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी जिम में जाते हैं, अभी बॉडी बिल्डिंग टाइप ट्रेनिंग करेंगे, शोल्डर का वर्कआउट करना है। सो लेट्स मीट इन द जिम। IFA Classic February. Super size.
सो गाइस अभी और दो तीन वर्कआउट बाकी है, ट्रैप्स का वर्कआउट बाकी है और रियर डेल्ट का एक और एक्सरसाइज बाकी है। उसके बाद अपना वर्कआउट कंप्लीट, फिर जाएंगे घर जाके अपना पोस्ट वर्कआउट मील। तो मिलते हैं घर पे। बस टुडेज व्लॉग अपने वर्कआउट करके, अभी ये वाला ड्रेस है वर्कआउट, और ये हम लोग का जिम का मतलब बाहर का सेटअप। जिम अभी बड़ा हो रहा है तो इसमें ग्लास व्लास लगेगा तो और भी जबरदस्त लगेगा देखने को। तो अभी हम लोग घर जाएंगे, मेरा भाई आ रहा है तो एक साथ घर जाएंगे, फिर घर जाके अपना पोस्ट वर्कआउट मिल लेंगे। यहाँ पर हमारा डॉगी आ गया, ये सब जिम के बाहर के फालतू कुत्ते सब। अभी ज्यादा छेड़ूंगा तो छेड़ने लग जाएगा मेरे को, तो चलो घर चलते। ये बैग पकड़ ले, बैग भाई को पकड़ना है, मेरे को अपना फिर चलाना है बाइक। सो गाइस यहाँ पर जिम से निकलने के बाद अभी टाइम आ गया प्रोटीन खरीदने का, मतलब अंडे। तो यहाँ पर सोच रहा हूँ हाफ ले लूँ, मतलब मैं एक्चुअली जिसके साथ प्रोटीन मतलब अपना जो अंडा लेता हूँ वो उसका दुकान थोड़ा सा रात हो गया इसलिए बंद हो गया, तो आज इसी के पास से पे करके ले रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 15 एग्स ले रहा हूँ, ये जस्ट कल का दिन चला जाएगा। मैं कल शाम को जाके और एक मतलब फुल पत्ता लेके आ जाऊँगा। मैं ऑलवेज दो मतलब लेके आता हूँ, दो ट्रेल ऑफ एग्स लेके ही आता हूँ, क्योंकि डेली मेरे को 15 से 20 खाना रहता है तो बार बार उतना जाना आना नहीं पड़ता। तो इसके बाद घर जाएंगे और घर जाके मिलते भी। अभी घर आ चुके हैं और अपने बाइक टाइगर को रख दिया यहाँ पर, और अभी अपना दूसरा टाइगर आ चुका है, उसको अभी खिलाएंगे। इसका तबीयत पता नहीं है, उसको दवाई भी दे दिया। इसका तबीयत पहले मेरा व्लॉग जिन लोगों ने देखा था, जब बॉडी बिल्डिंग करता था डाइट पे था पूरा पूरी अभी की तरह, तभी तो मैं एग योग नहीं खाता था, तभी मैं अपना जो पूरा एग योग होता था इसको पूरा देता था गाइस। तो अभी बस आया है, अभी इसका तबीयत पूरा खराब हो चुका है, दिखाता हूँ मैं बैक कैमरा। ऐसे स्किन का जो हेयर था हम लोग ने दवाई दिया है, तो मम्मी अभी इसको रोटी दे रही है और वहाँ पर भी एक है। इस मील खाने बैठ गया तो बहुत तगड़ा वाला भूख लगा था, तो आपने देखा वहाँ पर अंडे खरीदा मैंने, बिकॉज अंडे तो थे नहीं घर पे तो खरीदना पड़ा वहाँ पर, बिकॉज विदाउट प्रोटीन। और अभी दवा के अपना मील आपको बैक कैमरे से ही दिखाता हूँ, ये लास्ट मील है मेरा। सो गाइस ये मेरा मील लास्ट, और आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिर मिलते एक कल शानदार और ख़तरनाक वीडियो के साथ। तो आज के लिए टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।